हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग जीनियस। गाइस, मेरा नाम राहुल सोनी है और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बनाने सिखाने वाला हूँ चाउ चाउ की रेसिपी। गाइस, यह जो वीडियो है यह काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, तो चलिए हम हमारी आज की रेसिपी शुरू करते हैं। चाउ चाउ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 पैकेट चाउ चाउ के लिए हैं। वेजिटेबल्स में मैंने यहाँ पे 2 प्याज लिए हैं, 2 टोमेटो लिए हैं जिसे बारीक काट लिया है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे केबेज लिया है। सबसे पहले हम इन दोनों चाउचाउ के पैकेट को ओपन कर लेंगे। गाइस, यदि आप मैगी बनाना चाहते हैं तो आप मैगी भी सेम तरीके से बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे चाउचाउ के पैकेट को भी ओपन कर लेंगे। इसके साथ हमें कुछ मसाले ऑलरेडी मिलते हैं, उन मसालों को हम अभी अलग हटा लेंगे ताकि हम इसे बाद में डाल सकें। गाइस, यदि आपने मेरी चाउ चाउ की वीडियो नहीं देखी है तो आप वह मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। गैस में सबसे पहले हम एक तपेली में पानी रखेंगे और उसमें 1/4 टीस्पून नमक डालेंगे। जैसे ही हमारा पानी गर्म हो जाएगा हम इसमें हमारी जो चाउ चाउ है उसे डाल देंगे। अभी हमारी जो चाउ चाउ है वह उबलने लगेगी। गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारी जो चाउ चाउ है वह उबलना चालू हो चुकी है। ध्यान रखिए कि हमें इसे एकदम ज्यादा भी नहीं उबालना है, नहीं तो यह चिपकने लगेगी, राइट? आप देख लीजिए, हमें इसे इतना ही उबालना है। करीबन 3 से 4 मिनट में आपकी जो चाउ चाउ है वह तैयार हो जाएगी, इसे ज्यादा ना उबाले, राइट? तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और चाउ चाउ को छन्नी की मदद से छान लेंगे और जितना भी गर्म पानी है उसे निकाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ठंडा पानी ताकि हमारी जो चाउ चाउ है वह बाहर निकलने के बाद भी चिपके ना और अलग अलग बनी रहे। अब हम गैस में एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में हमें जो मसाले दिए गए थे उस मसाले में से एक मसाला था घी, उस घी को हम डाल देंगे और गैस को हम मीडियम फ्लेम में ही रखेंगे क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी है, इसलिए हम इसमें 2 चम्मच ऑयल और ऐड कर देंगे। जैसे ही हमारा तेल हल्का गर्म होगा हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे जो कि मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, और फिर हम इसमें डालेंगे प्याज और साथ ही में हम इसमें डालेंगे केबेज और इन सबको करीबन 2 से 3 मिनट तक हम अच्छे से पका लेंगे ताकि कोई भी कच्चा ना रहे। इन्हें पका लेने के बाद हम इसमें डालेंगे टोमेटो और इन सभी को अच्छी तरीके से फिर से 1 से 1.5 मिनट तक पका लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें मसाला। सबसे पहले हम स्वाद अनुसार इसमें डालेंगे नमक जो कि है करीबन 1/2 स्पून। नमक डालने के बाद 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर डालेंगे, 1/2 स्पून हम धनिया पाउडर डालेंगे और 1/2 स्पून हम डालेंगे इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर और इन सभी को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे। इन सभी को पका लेने के बाद हम इसमें डालेंगे मसाला जो कि हमें हमारी चाउ चाउ के साथ मिला था। इन मसालों को हम अच्छे तरीके से डाल देंगे और फिर से हम इसे 1.5 से 2 मिनट तक पकाएंगे। आप देख लीजिए, अभी हमारी जो चाउ चाउ है वह पकना, मसाला जो है वह पकना चालू हो चुका है। अब हमारा मसाला अच्छी तरीके से पक चुका है, सो गाइस अब हम इसमें हमारी जो चाउ चाउ है उसे डाल देंगे। हम इसमें हमारी पूरी चाउ चाउ को अच्छी तरीके से डाल देंगे और इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। करीबन 1.5 से 2 मिनट तक हम इसे अच्छी तरीके से चला के मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी जो चाउ चाउ है वह अच्छी तरीके से सभी वेजिटेबल्स में मिक्स हो जाए। सो गाइस, आप देख लीजिए 2 से 3 मिनट के बाद यह अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगी। अब हम गैस को बंद कर देंगे और गाइस ये देख लीजिए हमारी जो चाउ चाउ है वह बन के तैयार हो चुकी है। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में जो घंटी का आइकॉन है उसे भी दबा दें ताकि आपको जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वह मिल जाए। थैंक यू।